वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आप लोग सब कैसे हैं. आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे. तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना D10 पैक अप्लाई कर रही थी फेस पे, तो मैंने सोचा प्रोसीजर बता दूं कि मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, उससे पहले क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ. और D10 पैक में महीने में या 15 दिन में एक बार ही ज़रूर अप्लाई करती हूँ, जिससे आपके फेस की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाती है, टैनिंग आपके फेस में होती है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाती है और आपकी स्किन जो होती है काफ़ी शाइनी और काफ़ी क्लीन लगती है. और ऑयली जो होती है ना स्किन, हम लोगों का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, पिम्पल्स वगैरह ये सब चीज़ें होती रहती है, तो उस चीज़ को ना हमें हर 15 दिन हर 20 दिन में क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. मतलब लाइक मुँह तो रोज़ ही धोना होता है, फेस वॉश हर चीज़ हर रोज़ हम अप्लाई करते हैं यूज़ करते हैं. तो लेकिन ये D10 पैक जो है मैंने सोचा मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपनी फेस पे और आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या मैं फॉलो करती हूँ. उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिलती रहे, सबसे पहले मिलती रहे. तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी जो अपना रेगुलर फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है, सेंसिटिव है, ड्राई है, आप सब अपना अलग अलग हिसाब से करते होंगे जिसकी स्किन जैसी होती है. तो यहाँ पे मैं बहुत सारे यूज़ करती हूँ अलग अलग उसके, लेकिन अभी मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश. ऑब्वियसली नीम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जब आपके एक्ने आ जाते हैं. मेरा एक ही पिंपल आ गया और एक शायद यहाँ पे छोटा सा है. मतलब जब कहीं नहीं जाना होता, घर पे बैठे रहना होता तब कोई पिंपल नहीं आता, लेकिन जब भी कहीं बाहर जाने का टाइम आता है तो फेस में पिंपल्स आ जाते हैं जो कि मुझे बहुत गंदे लगते हैं. तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगी, अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 5-in-1 ब्यूटी मसाजर. ये बहुत अच्छा है, इसको शायद एक महीने से ज़्यादा हो गया लिया हुआ और अभी फिलहाल ये ठीक कंडीशन में. हाँ कभी कभी ये थोड़ी सी दिक्कत कर देता है मुझसे, क्योंकि एक बार गिर चुका है तो ये मेरा फॉल्ट हो सकता है. तो इसमें लेवल्स है लो, तो अभी मेरा ऐसे घुमाना पड़ रहा है, घूम रहा है, मुझसे गिर गया था तो मेरी गलती है. इसका प्राइस जो है 350 या 300 के अराउंड था, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस. लेकिन ये आपको नायका में, फ्लिपकार्ट में, हर जगह अवेलेबल है. मैं नायका से बहुत सी शॉपिंग करती हूँ तो मेरे को आदत है कि यार जहाँ से एक बार आप प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं तो वहीं से आपको लेते रहना चाहिए. तो मेरी तो आदत यही है कि मैंने नायका से लिया था. लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नहीं तो अपनी पुरानी वीडियो का दे दूँगी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं. इसके साथ आते हैं 3 एप्लीकेटर और 4 आते हैं, एक ये है और फिर 4 और है. एक ये मसाजर है, एक ये लेटेक्स वाला है और एक ये स्पंज टाइप का है. तो बाकी जो एक और है वो क्रूड पॉलिश होती है, वो तो फेस पे अप्लाई मैं नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जो बेस है वो काफ़ी हार्ड है. तो वो आप अपने जैसे एल्बो में यूज़ कर सकते हो, पैरों में यूज़ करते हो, तो उन चीज़ों के लिए. तो चलिए पहले मैं शुरुआत करूँगी, इससे पहले अपना मुंह धोती हूँ अच्छी तरह, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ. तो पहला स्टेप हो गया है, फेस को मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया है. आप क्लिनजिंग क्रीम से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं एक बार ही अपना मुंह धो लेती हूँ इससे. और चलिए पहला स्टेप हो गया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप में मैं अगेन ये अपना ब्यूटी ब्लेंडर, ये जो है ब्यूटी मसाजर यूज़ करने वाली हूँ. उसके साथ ये वाला एप्लीकेटर यूज़ करने वाली हूँ, ब्रश वाला. और अब मैं और फेस को मैंने ना थोड़ा वेट रखा है जिससे मैं स्क्रब अब अप्लाई करूँगी नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में. तो थोड़ा सा फेस जो है उसे हल्का सा आपने गीला रखना है. और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो वॉलनट प्यूरीफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब. ये फेस का भी है, नेक का भी है और इसको मैं अपने अंडर आर्म्स में भी यूज़ करती हूँ और इवन ये एरिया, मतलब बॉडी में ओवरऑल मैं इसको यूज़ करती हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा हो. और इसको टाइम भी बहुत हो गया है, ये ख़त्म होने के कगार में मुझे लग रहा है. तो ये हल्का हल्का मैं अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ मैंने करना है और उसके बाद मैं इस ब्यूटी मसाजर से मसाज करने वाली हूँ एटलीस्ट 2 मिनट के लिए, तो मैं करूँगी. तो स्क्रबिंग कर ली है और देखिए फेस कितना क्लीन लग रहा है. मतलब ये जो ब्रश वाला है इसको आपने हार्डली 1 से 2 मिनट आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग में ये हार्ड लगता है फेस पे, लेकिन अब धीरे धीरे जब से यूज़ किया है तब से ये बहुत सॉफ्ट होते जा रहे हैं. और थोड़ा सा मैंने अगेन अपना फेस जो है वो वेट रखा है जिससे मैं अपना D10 पैक अप्लाई करूँगी
और लास्ट स्टेप में मैं यही करने वाली हूँ कि अपना डीटेन पैक और कौन सा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रागा का डीटेन पैक और इसकी मोटी लेयर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इवन मैंने जब अर्बन क्लैप वाली बुलाई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं और हम आपको बस एक छोटा सा सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने, आपको तो आदत नहीं होती है घर पर खुद अप्लाई करने की, क्योंकि हम तो उन्हें बुला के करते हैं। तो उन्होंने कहा जब भी आप इसकी लेयर लगाएं तो थोड़ी सी मोटी लेयर लगाएं, क्योंकि मोटी लेयर जल्दी नहीं सूखेगी, सूख जाती है लेकिन जल्दी नहीं सूखेगी जितना वो पतली लेयर। तो मैं ये थोड़ी सी हैवी लेयर अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर इसको मसाज करके तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है और काफ़ी जलन हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत जलन होती है और मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो मैं विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसको निकाल दूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12 के अराउंड हो गए, तो मैं 12:10, 12:15 तक इसको निकाल दूँगी, फिर उसके बाद आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी सूख भी गया है, मुझे लग रहा है पसीने से और भी हो गया, तो मैं इसको ना निकालती हूँ, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं लेटेक्स वाला स्पंज यूज़ कर रही हूँ जिसको गीला करना है। आपने ध्यान देना है, कोई भी आप एप्लीकेटर यूज़ करें तो उसको आपने गीला ज़रूर करना है, क्योंकि वरना आपकी फेस पर बहुत रफ चलेगा वो। तो इससे आपने इसको क्लीन करना है अच्छी तरह और मसाज भी हो जाएगी और इसी बहाने क्लीन भी हो जाएगा। तो मैं आपको क्लीन करने के बाद आपको मैं फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि क्या आता है। ये है फाइनल लुक, देखिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत क्लीन हो गया फेस, ऑयली स्किन भी नहीं लग रही, उल्टा शाइन कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक मिनट में कैमरा निकाल लेती हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप लोग ज़्यादा लाइक धूप में जाते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, लाइक आप ऑफिस गोइंग है, तो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि 15 दिन में 2 बारी तो आप अप्लाई कीजिए। वैसे तो कहते हैं कि हफ्ते में भी 2 बारी अप्लाई कीजिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगी बिकॉज मैंने इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया, तो 15 दिन में 2 बारी आप यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं रिफ्लेक्ट बफी पिम्पल को अगर आप अवॉइड करें तो। ये मैंने अपना फेस पूरा अच्छी तरह क्लीन किया है और देखिए कितना क्लीन लग रहा है, मतलब कोई ऐसा लग रहा है फेशियल करवाया हुआ, फेशियल मैं करवाती नहीं हूँ अपने फेस में कभी भी। तो ये प्रोसीजर था जो मैं करती हूँ यूज़ की, जब भी मुझे अगर डीटेन पैक लगाना तो फेस को अच्छी तरह क्लींस करती हूँ, स्क्रबिंग करती हूँ, उसके बाद पैक लगाती हूँ। टाइम हो गया है 3:30 और मुझे जैसे एज यूजल अभी नींद नहीं आ रही, इस अभी मैं थोड़ा सा अपने टिकटॉक की वीडियोज़ बना रही थी, तो मैं एक ही साथ बना लेती हूँ वीडियोज़ जितने भी बनानी होती हैं, लेकिन अभी रेस्ट करूँगी। और देखिए कितनी अच्छी शाइन आ रही है फेस पे डीटेन लगा के, मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, क्योंकि जब मैं टिकटॉक की वीडियो बनाती हूँ तो मैं एक लाइनर और लिप शेड लगाती हूँ। ये बहुत रेयर है कि मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में थोड़ा सा अपना फाउंडेशन भी अप्लाई किया था, क्योंकि उसमें मैंने मेकअप ट्यूटोरियल टाइप का डाला था, और बस वैसे मैं नहीं बनाती क्योंकि टिकटॉक के फ़िल्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो टिकटॉक के फ़िल्टर्स जिंदाबाद, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती फेस पे। और छोटा सा पिंपल आया, फिर छेड़ूंगी नहीं इसमें, मैं दोबारा से आइस लगाऊंगी, क्योंकि आइस से क्या होता है, जो ये पिंपल होता है ये हमारा बहुत गर्म होता है, बहुत इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, और प्लस इसमें ना हाथ लगाने से इन्फेक्शन भी जल्दी फैलता है। तो मैं इसको धीरे धीरे रब कर रही थी विद द हेल्प ऑफ वो नाइफ कह रही हूँ, रुमाल लिया और कोई भी कपड़ा लीजिए, उसमें आइस लीजिए और फिर उसे हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में लगाइए जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये जो साइज़ होता है ना ये पतला हो जाता है, तो रात को करके सोइए तो ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी मैं अपनी क्लियर जेल जो है मेरा पिंपल वाला वो तो मैं लगा के सोती हूँ रात को, एक यहाँ पे और एक यहाँ आया, पता नहीं मैंने आम खा लिया तब आया या पता नहीं क्यों, आते तो है, मैं जैसे बताया था कि यार जब कहीं नहीं जाना होता ना तब नहीं आएंगे, जब जाना होगा तब ये आने शुरू हो जाते। प्लस मेरी पैकिंग देखिए, अभी मैंने सारा कूड़ा मचा रखा है, क्योंकि यहाँ मैंने अपना बैग रखा हुआ है, ये मेरी थोड़ी सी सिल्वर ज्वेलरी है, 2-3 दुपट्टा, बुक, सब कुछ ऐसे रखा हुआ है मैंने अभी। तो अभी करूँगी, अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, नींद तो अभी आएगी नहीं मुझे, मुझे पता है 1 घंटे बाद ही नींद आती है मुझे, लेकिन देखती हूँ अगर नहीं सोई तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या पैकिंग की है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और कल मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैं व्लॉग अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई थी,
तो कुछ बना नहीं पाई थी लाइक इवनिंग और रात पे, तो मैंने सोचा कोई नहीं कल वाले व्लॉग को आज वाले व्लॉग के साथ मर्ज कर देती हूँ और अभी बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने की तैयारी कर रहे हैं हम. हो गया ऑलमोस्ट, अभी करेंगे थोड़ी देर में. अभी कोई एयरटेल का बंदा आया क्योंकि नेट में स्पीड कम आ रही है तो उस चक्कर से. और मैं आज जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी मैं जल्दी जल्दी नहाऊँगी और फिर मैं 12 के अराउंड निकल जाऊँगी. तो ऑब्वियसली यार जब अपने घर जाना होता है तो हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब अलग ही खुशी होती है. और आप में से बहुत से लोग मैरिड हो गए तो आप लोग बताना कि आप लोग भी कितने एक्साइटेड रहते हैं. बाकी अभी टाइम तो 10:20 हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे. आज से थोड़ा रूटीन गड़बड़ आ गया है, नहीं तो मैं नहावा के पूजा भी करती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन ना जब से थोड़ा दिक्कत जॉन्डस हुआ था तब से रूटीन ख़राब हो गया था, तो अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है ऐसा. तो भाई 12 के अराउंड निकलूँगी. थोड़ी पैकिंग अभी और रह गई, अभी मैंने अपने फ़ोन में लिस्ट बनाई हुई कि मुझे क्या क्या रखना है, लेकिन 2-4 चीज़ें और ऐड ऑन करनी है. मतलब मेरे बैग हमेशा 2 तो भर ही जाते हैं, एक अभी भर गया, मुझे लग रहा है एक और बैग लेना पड़ेगा जिसमें अपने हील्स डालूंगी और कुछ मेरे सामान 4-5 सामान और है. स्ट्रेटनर भी सोच रही हूँ रख लेती हूँ, बाकी बहुत सामान हो जाता है यार. बाकी मैं कैब से ही जाती हूँ मम्मी के घर, तो यही चल रहा है और तो कुछ नहीं चल रहा. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड मैंने ना अपनी लिस्ट बना, मतलब मेरा ये जो बैग है ना, मेरा ये वाला बैग भी पूरा भर गया. पहली बार लाइफ में ये पूरा भरा होगा, मतलब कभी नहीं भरता. इसके अंदर मैंने इतना सामान रखा, मेकअप वगैरह का मैंने ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि मेरे मम्मी के वहाँ पे भी है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ छोटे छोटे कुछ ना कुछ सामान मैंने रखा ही है. हाय गाइस, गुड इवनिंग. और मैं हूँ मम्मी के साथ. मम्मी देखो, मम्मी और मैंने येलो पहना है आज. मम्मी तुम्हारा मेरा फेम कलर देखो, तो तुम्हारा मेरा फेम कलर है येलो और थोड़ा सा ग्रीन मैच. तो हम जा रहे हैं ताऊ जी के घर, कि वहाँ पे एक छोटा बेबी हुआ है तो हम उससे मिलने जा रहे हैं. और मैं अभी आ गई थी घर अराउंड 12:30, एक बजे के करीब आ गई थी ना. मैं फिर व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि उसका फिर हमने खाया पिया हुआ. मेरे को नींद आ गई थी, मम्मी उठी हुई थी, मम्मी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी. तो हम जा रहे हैं और अभी रास्ते में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है घर. बाकी मिलूंगी मैं थोड़ी देर में, अभी थोड़ा सा ट्रैफिक में है. हाय गाइस, सो फाइनली हम ताऊ जी के घर से आ गए हैं. पापा, मेरा व्लॉग चल रहा है, आप हेलो बोल सकते हो. हेलो, ये राधिका मैडम. यहाँ पे हमारे गिफ्ट रैपिंग चल रही है और मम्मी अंदर चली गई है. तो मैंने सोचा कि अब इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ और अभी हम कुछ थोड़ा तैयारी वगैरह में लगे हुए क्योंकि पापा रिटायर हो रहे हैं 29th को. और तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ उस बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है. बाय बाय, टेक केयर.